हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साजिदा। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत वेलकम। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत ही आसानी से मच्छर को भगा सकते हो। हालांकि मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियोस हैं मच्छर को भगाने के लिए, लेकिन आप लोग की कमेंट्स की वजह से मैं एक और वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है, घरेलू है और 100% वर्किंग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 गार्लिक लिया हुआ है और लहसुन को मैंने छील लिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने एक टॉप लिया है, ये एक तड़का पैन का टॉप है जो कि टूट गया था। मेरे इस्तेमाल में ये नहीं आता है, इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी मिट्टी का बर्तन है या दिया वगैरह जो आप यूज़ नहीं करते हो, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, मगर यहाँ पे मैं इस तड़के पैन को इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, होममेड बेबी मसाज ऑयल जो कि काफ़ी अच्छा है बेबी ग्रोइंग के लिए, बोन्स के लिए, बच्चों की हड्डी के लिए बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वही तेल आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप वो ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो सिंपल सी आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो। सरसों का तेल आप बहुत ही आराम से इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर। तो हमें लहसुन को जो है थोड़ा सी क्रश करना है सबसे पहले, और हम इसी टॉप में क्रश करेंगे ताकि हमें इजीली आसानी हो जाए। तो चलिए मैं कर लेती हूँ दोस्तों। इस तरह से हमें सिंपल सा करना है, तो इसे कर लेना है। 2 ही गार्लिक लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है फ्रेंड्स। गार्लिक की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि मच्छर को बिल्कुल भी सहन नहीं होता है दोस्तों। अगर आप इसकी जगह पे मार्केट वाले कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, बहुत सारे रिफिल मिलते हैं और स्प्रे वगैरह भी मिलता है दोस्तों, तो उससे बेबी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, धुआं वगैरह होती है, बच्चों को खांसी आती है, धुआं आँख में लगता है। तो इस तरह से आप जो है घर पे घर के घरेलू नुस्खों से बना सकते हो। 100% नेचुरल होता है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो जो मैं ऑयल बना के रखी थी उसको इसमें मिक्स करूँगी, और इसको देखिए अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये गार्लिक बहुत ही अच्छे से डीप हो जाए इसके अंदर। इतना ऑयल आप जो है रात भर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। रात भर जला के आप इसको छोड़ दीजिए, जो कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने कॉटन लिया था जिसका मैंने इस तरह से दिया बना लिया है, तो यही प्रोसेस आपको भी करना है। तो मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगी दोस्तों, अच्छे से बिठा दूंगी ताकि कॉटन जो है ऑयल में डिप हो जाए, और जो थोड़ा बहुत कम लगेगा तो मैं ऊपर से ऑयल डाल दूंगी, नहीं तो थोड़ा सी इसको अरेंज कर दूंगी। देखिए इस तरह से करना है, आपको भी इसी तरह से करना है। गार्लिक की स्मेल इतनी होती है दोस्तों कि मच्छर की आँख में जलने लगता है, जलन होने लगती है और वो भाग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये प्रोसेस सिंपल सी करना है, ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल नुस्खा मैंने शेयर किया है आप लोग के कमेंट्स की वजह से। तो आपको ये कैसा लगा है आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइए मुझे। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियो लाती रहती हूँ मेरे चैनल पर। तो फिर से मिलूंगी एक नई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो मिलूंगी मैं फिर से, बाय।